नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई के तो भाई आपको पता है, इंडिया के लोग पता नहीं दुबई जाते हैं आते हैं, माइंड भी फिट बैठा के लेके आते हैं कि भाई हमें टिकट का पैसों का जुगाड़ इंडिया लेके जाना। जी हाँ, इसके लिए कैसे होगा, गोल्ड गोल्ड तस्करी बेस्ट ऑप्शन है उनके पास। उनको नहीं पता होता कि यार थोड़े से लालच के चक्कर में पकड़े जाएंगे, मुकदमा लगेगा, अंदर जाना पड़ेगा, पेपर में आएगा। जी हाँ, हम बात करेंगे हसन अली। हसन अली दुबई में रहते थे, आते टाइम दुबई से इंडिया आ रहे थे। जी हाँ, और उन्होंने इतना भयंकर तरीके से प्लान किया कि आदमी सोच नहीं सकता। तस्कर बड़े खतरनाक होते हैं, खास तौर से जो दुबई में बैठ के गोल्ड सेल करते हैं ना, गोल्ड बेचते हैं, उनके भी माइंड में आइडिया रहते हैं, क्योंकि उनके पास से जो गोल्ड लेके आते हैं वो उनको पूछ लेते हैं, यार इनको कैसे लेके जाऊं, टैक्स कैसे बचाऊं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। जी हाँ, मात्र 12 लाख का, कोई ज्यादा पैसा नहीं था, 4 बिस्कुट करीब थे, 239 ग्राम के बिस्कुट था। डिटेल से बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज यूएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रही। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हसन अली जब दुबई से निकला, इंडिया पहुंच गया एयरपोर्ट के अंदर, और कोई दिक्कत नहीं थी, उसका प्लान एकदम फिट फॉर था, एकदम जैसे बोलते हैं ना, एकदम वाटरप्रूफ जिनको बोल सकते हैं, पानी अंदर नहीं जाएगा, वैसे सेम तरीके से एयरपोर्ट से निकल भी गया। जी हाँ, एयरपोर्ट से क्रॉसिंग करके सब कुछ हो आके वो आगे आ रहा था, अचानक उनके पैर से चप्पल निकल गई। जी हाँ, अब चप्पल निकलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, चप्पल तो चलो किसी के पैर से निकल जाए, चप्पल निकली, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने हेल्प की, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी होती है, उसने वो चप्पल हो सकता है किसी कुर्सी के नीचे चली गई होगी या फिर कोई दूर चली गई होगी, या फिर जल्दी जल्दी चलते हैं तो चप्पल, पैर जैसे आगे बढ़ता है तो चप्पल कई कई बार देखते हैं दूर चली जाती है, तो उसने जैसे वो चप्पल उठाने की कोशिश करी तो उनको लगा कि यार असामान्य तौर से वजन भारी लग रही है चप्पल, जितना वेट होना चाहिए उतना आम चप्पल का इसका वजन नहीं है, क्या चक्कर है भाई। तो फिर जैसे ही उसने चप्पल उठाई तो उनका चप्पल, आपको पता है भाई चप्पल का सोल कितना मोटा होता है, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से, रेगजिन या फिर चमड़े की चप्पल थी, और चमड़ा उतार के और उसके अंदर एक बिस्कुट आगे एक पीछे, दो इसमें डाल दिए दो इसमें डाल दिए, तो फिर वो अलग हो जाती है ना, साइज उनकी सेट नहीं हो पाती है। ठीक है, बंदा कोशिश करता है, फिर पैर में दब के प्रॉब्लम चप्पल में हो जाती है, तो वो गोल्ड कहीं ना कहीं उसमें दिख गया, चप्पल भारी थी, उठाया तो गोल्ड दिख गया। आ जाओ जी हसन अली जी साइड में आ जाओ, फिर उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनकी चेकिंग की तो माजरा निकल गया, दोनों चप्पलों में गोल्ड निकला। जी हाँ, 12 लाख रुपए का गोल्ड निकल गया। अब ऐसा भी होता है भाई, तो आप क्या, मुझे नहीं लगता कोई सेंस निकलता, इससे बढ़िया इतना पैसा खर्च किया 20-30-50 हजार रुपए और दे देता टैक्स के, लेकिन नहीं जी, आपको नहीं करना भाई ऐसा, जो मेरी न्यूज देख रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं करना है, टैक्स दे के निकलना है ताकि आराम से इज्जतदारी से आप शान से निकल सको, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस पे बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं, आए दिन रोज रोज तस्करी के मामले आते रहते हैं, हम आप लोगों को बताते रहते हैं ताकि आपको ये चीजें माइंड में फिट हो जाए कि बिना टैक्स दिए एयरपोर्ट से नहीं निकले, अगर निकलेगा तो यहाँ हसन अली की जगह अपना भी नाम हो सकता है। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।